हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी की जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि मैंने ऐसा काम भी किया, कल भी क्लास नहीं लिया आप लोगों को बोलकर, तो क्षमा प्रार्थी हैं, माफ कर दीजिएगा। और माफ करना जो है सबसे बड़ा धर्म है, तो उस हिसाब से माफ कर दीजिए। कुछ आवश्यकता भी है, थोड़ी निजी आवश्यकताओं के कारण थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बिहार का इतिहास, बेसिकली आज हम लोग मिथिला के कर्णाट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मिथिला के कर्णाट राजवंश के बारे में एक बार, अगर माफ कर ही दिया है तो एक बार लाइक करके इस चीज को आप लोग जता दें कि आपने भाई हमें माफ कर दिया। तो आज हम लोग मिथिला के कर्णाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कर्णाट वंश बेसिकली जो उसका टाइम फ्रेम है वो 1098 से लेकर 1325 ईस्वी है, लूसेंट के हिसाब से। बुक का नाम लेना बड़ा जरूरी है, काहे कि अलग अलग बुक में डेटा कभी कभी अलग अलग होता है। तो लूसेंट के हिसाब से 1098 से लेकर और 1325 ईस्वी तक आपको मिथिला का क्षेत्र, जो दरभंगा मधुबनी ये जो क्षेत्र है, इसमें आपको कर्णाट वंश का शासन देखने को मिलेगा। बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठि बन रही थी, जिस टाइम बिहार में तुर्क आक्रमण की पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, उसी समय इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक आपको पता है कि पालों की सत्ता भी बिहार में डिग्रेड हो रही थी 11th सेंचुरी में, और उसी समय कर्नाट वंश का उदय होता है। रामपाल जो थे पाल वंश के शासक, आखिरी दिनों में ही 1097-1098 के दौरान रामपाल के समय बिहार में कर्नाट वंश की स्थापना हुई, और जिसके संस्थापक हैं नान्यदेव जिसके संस्थापक हैं। तो ये बेसिकली एक पृष्ठभूमि बनी है, और नान्यदेव उसके संस्थापक है, और उसका जो बेटा भी है गंगदेव, वो भी काफी एक अच्छा प्रशासक आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं एक शब्द में कहूं कि हुआ क्या, तो हुआ एक्चुअली यूं कि 1098 से लेकर 1325 ईस्वी तक बिहार के मिथिला क्षेत्र में बेसिकली जो है वो कर्नाट राजवंश का उदय हुआ। ये हुआ बिहार के मिथिला क्षेत्र में। ठीक है, ये बिहार के मिथिला क्षेत्र में बेसिकली ये जो एरिया है यहां पर इनका उदय हुआ है। ये उदय की पृष्ठभूमि जो है ना, बिहार में तुर्कों के आक्रमण के समय, जो तुर्कों के आक्रमण की जो पृष्ठभूमि बन रही थी उस समय ही, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता भी थी, पाल शासक पतनशील अवस्था में थे, उसी समय बिहार के इस क्षेत्र में, जो बिहार का आपका बेसिकली मिथिला क्षेत्र है मिथिला, उसमें कर्नाट राजवंश की स्थापना हुई। कर्नाट राजवंश के बारे में आपको पता होगा कि इसके संस्थापक नान्यदेव हैं, और उस समय जो पाल शासक थे उनका नाम रामपाल है। ठीक है, और जो नान्यदेव हैं उनका शासन काल लगभग 1098 से लेकर 35 वर्ष अर्थात 1033 ईस्वी तक चलता है, और उसके बाद एक सफल प्रशासक उसका बेटा गंगदेव आता है। अगर हम बात करें मिथिला के रीजन की, तो मिथिला के रीजन में आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा था कि लिच्छवियों के, जो बेसिकली बज्जी कुल में चार कुल थे,
उस चाल कुल में से एक कुल था मिथिला के विदेह। मिथिला की स्थापना एक्चुअली निमि विदेह ने की थी। तो मिथिला के संस्थापक का नाम आपसे पूछ दे तो मिथि जनक विदेह हैं, विदेह राजवंश के हैं निमि विदेह, और मिथिला के हैं मिथि जनक विदेह। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो बैकग्राउंड हैं जो आपके जानने के लिए जरूरी है। अब हम लोग आज के सवालों पर चलते हैं कि भैया आज का सवाल जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। बिहार में पाल युग के कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक क्या है? निर्णायक देन थी किस चीज की? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन क्या थी? जमला एवं हतग्रीव की, धीमन एवं विठपाल की, बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की, या उपरोक्त सभी की? किसकी जो है इस शैली में एक निर्णायक देन थी इस काल युग कांस्य युगीन मूर्तियों में? वैसे आपको पता है पालकालीन कला, बिहार में आपको सर्वप्रथम पालकालीन कला देखने को मिलेगा। और बिहार में बेसिकली पालकालीन में होता क्या था? तो बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड बेसिकली पाल काल की चित्रकला होती थी। तो कांस्य युगीन मूर्तियों में किसका आपको प्रभाव, किस शैली, किन इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो ये थी धीमन एवं विठपाल की। ये शैली में निर्णायक भूमिका थी धीमन एवं विठपाल की। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये बेसिकली कहाँ के निवासी थे? ए पटना, बी मुंगेर, सी नालंदा, डी गया। और बताना है आप लोगों को जल्दी कहां के निवासी थे। सभी कोई कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। तो पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल नालंदा, नालंदा के, एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिएगा जरूर, नालंदा के निवासी थे। आपको पता होना चाहिए कि जो ये धीमन है, धीमन इसी का पुत्र कौन है? इसी का पुत्र है विठ्ठपाल, और इसने ही कांस्य मूर्तियों के निर्माण में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका साक्ष्य कहां से मिलता है कि ये सांचे में ढली हुई हैं? बताइए इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? बताइए। देखिए इसका साक्ष्य बेसिकली नालंदा और गया से मिलता है। नालंदा और कुकरिहार, गया में कुकरिहार से मिलता है। तो पालकालीन जो ये कांस्य मूर्तियां हैं, कांस्य प्रतिमाएं हैं, वो सांचे में ढली हैं। इसका साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? नालंदा एवं कुकरिहार में। आपको रिलेट करके पढ़ना है कि कांस्यकालीन जो कांस्य मूर्तियां हैं उस मूर्तियों में निर्णायक देन धीमन एवं विठपाल की थी, वो नालंदा के थे, और इसका साक्ष्य जो है वो भी नालंदा एवं कुकरिहार गया से मिलता है। ठीक है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल किसके समकालीन थे? किसके ये लोग समकालीन थे? बताएंगे किसके समकालीन ये लोग थे।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सही। किसके थे? धर्मपाल एवं देवपाल के। धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक है? 770 से लेकर 810 तक। और इनका कब से कब तक है? 810 से लेकर 850 तक। धर्मपाल आपको पता है, इन्होंने ही जो है वो विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला में महाविहार एवं विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, ये धर्मपाल थे। और देवपाल ने, देवपाल ने क्या किया है? देवपाल ने ही अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। तो देवपाल आपको मिलेगा कि राजधानी को मुंगेर जो है वो बनाता है, और कन्नौज के साथ देवपाल संघर्ष भी करता है। तो देवपाल के बारे में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, गांवों को भी अनुदान में दिया था, नालंदा महाविद्यालय के लिए इसने गांवों को भी अनुदान में दिया था। जब जावा के शासक बालदेव पुत्र ने इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने 5 गांवों को भी अनुदान में दिया था। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? चित्रित पांडुलिपि, द पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, अष्ट सहस्रिका, प्रजना प्रमित एंड पंचरक्ष किस युग के हैं? बताएंगे किस युग के हैं। बहुत बढ़िया। ये सभी किस युग के हैं? ये सभी जो हैं वो आपके पाल युग के हैं। किस युग के हैं? पाल युग के हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाल युग, ठीक है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब है कपड़ों पर चित्र, दीवारों पर चित्र, इस तरीके से भित्ति चित्र उसी को कहा जाता है। उसका रूप कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए, पटना से, जल्दी बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भित्ति चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, भित्ति चित्र भी कहां से मिला है? नालंदा से ही मिला है। तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप नालंदा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? पाल शासक अपना आदेश कहां से प्रसारित करते थे? पाल शासक अपना आदेश कहां से प्रसारित करते थे? देखिए, ये आदेश जो है वो सामान्य तौर पर पाटलिपुत्र से प्रसारित होता था, हालांकि देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बना ली थी। तो पालकाल ने कहां से किया था अपना आदेश? पाटलिपुत्र से पारित किया था। पालकाल में श्रीनगर भुक्ति, श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? अंग को, विदेह को, वज्जी को या मगध को, किसे जो है वो श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? बताइए, किसे कहा जाता था? एक बार यार दिल से सब कोई लाइक तो करो। किसे कहा जाता था? बताइए, किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था मगध को। किसे? मगध को। देव कपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? अभी बात आपको बताया कि देवपाल को रिक्वेस्ट किया था जावा के शासक बलदेव पुत्र ने, तो कहां विदेशी यात्रा छात्राओं के लिए, विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? कहां पर? 100 पहुंचाना है लाइक को और सेशन को शेयर करके, कहां पहुंचाया था बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा, नालंदा, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, बौद्ध धर्म से संबंधित ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। यहां इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं कुमार गुप्त। देवपाल ने, जावा के शासक बलदेव पुत्र ने जब उनके साथ उनको रिक्वेस्ट किया तो छात्रावास का निर्माण करवाया, 5 गांवों को अनुदान में दिया था, ठीक है। चलिए, अब जो है हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो गया नया,
वो क्या है, मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला के कर्नाट वंश, ठीक है। मिथिला या तिरहुत के क्षेत्र में कर्नाट राज्य का उदय 1057-97-98 में किसके शासनकाल में हुआ? अगर आपने मेरा स्टार्टिंग की ही बात को सुन लिया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये बेसिकली किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिहार में एक्चुअली था क्या, जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियान की पृष्ठभूमि बन रही थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, पाल शासक पतनशील अवस्था में थे, उसी समय रामपाल, रामपाल का भी समय काल क्या है, यही वाला 1097-98 ईस्वी, रामपाल के नेतृत्व, रामपाल के टाइम पे ही मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में बिहार के क्या हुआ था, कर्नाट राज्यों, कर्नाट शासक का मतलब कर्नाट राजवंश का बेसिकली उदय हुआ। संस्थापक इसके नान्य देव हैं, ठीक है। मिथिला या तिरहुट के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था, बताना है, ये कौन था? बताइए प्रणाम प्रणाम, जल्दी बताइए कौन था, ये कौन है, ये है नान्य देव। नान्य देव का बेटा कौन है, गंग देव। नान्य देव का बेटा का नाम क्या है, गंग देव, और गंग देव के पुत्र का नाम क्या है, नरसिंह देव। गंग देव के पुरुषिंग का नाम है, मतलब जो उनके पुत्र हैं उनका नाम क्या है, नरसिंह देव। तो जब बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था तो नन, ये जो नरसिंह देव हैं, इन्होंने ही बेसिकली उसको भेंट देकर संतुष्ट किया था, ठीक है, उपहार देकर बख्तियार खिलजी को इन्होंने ही जो है वो संतुष्ट किया था, ठीक है। नरसिंह देव का अधिकार बेसिकली तिरहुत क्षेत्र, दरभंगा क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये है नरसिंह देव, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कर्नाट राज्य की राजधानी कहां थी, तो ये थी सिमरावगढ़, सिमरावगढ़ नेपाल की तराई क्षेत्रों में स्थित है, सिमरावगढ़ वहां पर कर्नाट शासकों की राजधानी थी, ठीक है। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी, लो अगला ही सवाल आ गया, ये कहाँ थी, मिथिला के तराई शासकों मतलब इनकी राजधानी कहाँ थी, बताइए। राजधानी है सिमरावगढ़, ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत बढ़िया, सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हरि सिंह। हरि सिंह जो है वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, हरि सिंह, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह बहुत बहादुर था, लेकिन 1225 के राउंड है ये, इसका टाइम फ्रेम जो है 1200 से लेकर 1300 समथिंग है, और हरि सिंह जो है वो काफी प्रतापी था, ठीक है, समाज सुधारक था, बेसिकली आप कहेंगे इसको आप समाज सुधारक बोल सकते हैं, समाज सुधारक था, लेकिन तुर्क सेनाओं की आक्रमण को ये सह नहीं सका और पलायित हो गया था, तुर्क सेनाओं के आक्रमण को ये सह नहीं पाया और इसका पलायन हो गया था, ठीक है। और इसका जो समय काल है वो 1200 शायद 79 से लेकर 1279 से लेकर 1325 के राउंड है, और ये समाज सुधारक था बेसिकली, ठीक है। तुर्क शासन, तुर्क के आक्रमण को यह बर्दाश्त नहीं कर सका और नेपाल की तरफ पलायित हो गया। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ, बताइए, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ,
कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? देखिए, बहुत सारे बुक में तो भाई 1325 ईस्वी में हरि सिंह देव के साथ ही इसका जो है अंत हो गया, लेकिन इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक मानती है कि कुछ जो है प्रभाव 1378 ईस्वी तक वहां पर था। तो टिल 1378 एडी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तिल 1378 एडी, 1098 से लेकर 1378 एडी तक। ठीक है, क्लियर है? बिहार के किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास बिहार में किसके समय में हुआ था? किसके समय में पंजी प्रबंध? पंजी प्रबंध क्या होता है? बेसिकली ब्राह्मणों एवं मैथिल जो कायस्थ है, कर्ण कायस्थ हैं, उनके जो समुदाय हैं, उनकी जो लिखित वंशावली है, उसको हम लोग आप कह सकते हैं पंजी या पंजी प्रबंध। तो इसमें बेसिकली आप ब्राह्मण समझ लीजिए, मैथिल ब्राह्मण समझ लीजिए, मैथिल कर्ण कायस्थ समझ लीजिए, इन सभी समुदायों का लिखित जो है आपको वंशावली मिलेगा। पूरा वंश का जो है आपको यहां पर विवरण मिल जाएगा उन ब्राह्मणों का। इसे ही पंजी या पंजी प्रबंध कहा जाता है। और इसके कारण क्या हुआ था कि जब जो कर्नाट शासक हैं मिथिला के, इनके शासनकाल में जब पंजी प्रबंध का विकास हुआ, तो इसके कारण पंजीकारों का एक नया वर्ग जो है ना उसका उदय हो गया। ठीक है, पंजीकारों के नए वर्ग का उदय हो गया। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत कब आया? तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत कब आया बताइए? तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत कब आया? बिल्कुल, कब आया है ये? 1234 ईस्वी में, 1234 AD, 1234 AD में ये आया है। ठीक है, 1234 AD में। चलिए, बिल्कुल 1234 AD में, 1234 AD में किसका शासन है? राम सिंह देव का। राम सिंह देव, राम सिंह देव का शासनकाल 1234 में है। ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ए नरसिंह देव, बी हरि सिंह देव, सी राम सिंह देव और डी महेश सिंह देव, बताइए किसका शासन था? देखिए, बंगाल के जो सेन शासक थे वो भी जो है सामान्य तौर पर आपको नरसिंह देव से लड़ते थे, बंगाल के सेन शासक, और साथ ही साथ बख्तियार खिलजी का भी जो अटैक है ना वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि बख्तियार खिलजी ने जब इन पर अटैक करने का सोचा तो फिर इन्होंने उसको उपहार या भेंट देकर संतुष्ट कर दिया है। ठीक है, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण करने की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? कौन है ये विदेशी यात्री बताइए? बहुत बढ़िया, कौन है? तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी जो 1234 ईस्वी में आया, और साथ ही साथ मुल्ला तकिया, कौन है? दोनों हैं, बी और सी दोनों हैं। ठीक है, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तुगरिल तुगल के अभियान के समय कर्नाट का शासक कौन था? कौन था?
उस समय तुगरिल तुगन के असफल अभियान के समय कर्नाटक का राज्य का शासक कौन था? तो ये था राम सिंह देव। बी राम सिंह देव जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम सिंह देव। ठीक है, राम सिंह देव। अभी मैंने आपको बताया राम सिंह देव का शासनकाल कब से कब तक है, 1225 से लेकर 1276 तक लगभग। और इसी बीच में तिब्बती जो यात्री है धर्मस्वामिन भी आया है, तुर्कों के द्वारा, तो बिहार के तुर्क प्रांतपतियों के द्वारा लगातार जो है तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया जा रहा था। और उसी में आप देखेंगे तुगरिल तुगन के असफल अभियान जो है वो कर्नाटक राज्य पर हुआ, तिरहुत क्षेत्र पर हुआ, और उस समय तिरहुत पर जो शासन था वो राम सिंह देव का था। ठीक है, और इसके बारे में धर्मस्वामी ने बात भी कही है। कौन एक महान समाज सुधारक था? ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कौन एक महान समाज सुधारक है। बी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन एक समाज सुधारक है? कौन है? हरि सिंह देव। कौन है? हरि सिंह देव। हालांकि ये तुर्क आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, भागकर नेपाल चला गया। ठीक है, तो वहां पर तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये एक समाज सुधारक था। ठीक है, मनोहर हम स्टार्टिंग से ही क्लास में नहीं थे, तो मनोहर को सॉरी बोल के क्या होगा? ओके, मास्टर है, चलिए ठीक है। राजा रानी लोग तनी पढ़ लो सा, ऐसे करे से भैया लोग कुछ ना हुई। मास्टर तब बन ही के बाटे, एसडीएम ज्यादा बढ़िया बटन। अरे रेगुलरे चल चल रहा है। स्टार्ट बटेला, सवाल पढ़ा। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में केकर शासन काल में मुख्य रूप से विकसित भइल रहे? पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? ए शिव सिंह देव, बी महेश सिंह देव, सी हरि सिंह देव और डी राम सिंह देव। बताएंगे? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ है बाबा? 1279 से लेकर 1325। इम्तियाज अहमद अंकल जैसे हरि सिंह जो है वो तो सबसे लास्ट शासक है, और उसी के समय पंजी प्रबंध व्यवस्था, बता दिए हम, ब्राह्मणों की वंशावली होती थी, लिखित वंशावली, मिथिला क्षेत्र के ब्राह्मणों की, कर्ण समुदायों की एक लिखित वंशावली, किस वंश से है इसका एक वंशावली बनता था, हरिद्वार हरिद्वार में भी बनता है। ठीक है, तो उसी को पंजी प्रबंध कहते हैं, और ये हरि सिंह के समय ही जो है विकसित हुआ, लास्ट शासक था, तुर्कों के आक्रमण को सह नहीं पाया, नेपाल पलायित हो गया, लेकिन एक अच्छा समाज सुधारक माना जाता है। और इसी पंजी प्रबंध व्यवस्था के कारण पंजीकारों का एक नया जो है वर्ग संगठित हो गया। ठीक है, तो इम्तियाज अहमद अंकल कहते हैं कि 1378 ईस्वी तक मिथिला के कर्नाटक शासकों का शासन रहा है, लेकिन वही लूसेंट बाबा कहते हैं कि नहीं, 1325 में खत्म हो गया, तो हम लोग काहे इस फेरा में रहेंगे।
मैथिली बोलिए कह रहे हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं ना, की कार की खा रहे छे। अहाँ की खा रहे छे, अहाँ की कर रहे छे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज का एक नया अपडेट आप लोग जानने की नहीं, बीपीएससी के बारे में एक नया अपडेट आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो अपडेट भी बता देता हूं क्या है। क्या है आज का नया अपडेट? नया अपडेट क्या है आज का, ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए 67th बीपीएससी में 103 और रिक्तियां, विज्ञापन 2 दिनों में। विज्ञापन जो है वो 2 दिनों में जारी होगा। 103 सीट बढ़ गई है ऐसी संभावना है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि डीएसपी और कई अन्य पदों की 103 रिक्तियां शामिल होंगी। जो जो डीएसपी वाले बच्चों को जिनको इंतजार था कि हे वर्दी लगाएंगे, उनके लिए अब इंतजार खत्म हो गया। कुछ दिन पहले एसडीएम वालों के लिए खत्म हो गया था, अब डीएसपी वालों के लिए खत्म हो गया, अब डीएसपी भी आ गया है। अब कोनो बहाना नहीं बचेगा, कोई बहाना अब नहीं बचेगा। ठीक है कि ई नहीं है ऊ नहीं है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम नहीं देने जाएंगे, अब कोई बहाना नहीं बचेगा। अब देखिए 103 और रिक्तियां हैं, इसको मिलाकर के जो संख्या है वो 606 हो जाएगी। 606 ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है जैसा लिखा है इसमें कि अगले 1-2 दिन में रिक्तियां नहीं मिल पाई तो हो सकता है कि 503 पद के लिए ही रिक्तियां निकाल दे। हो सकता है बाद में जो है वो ये बाद में वापस फिर से जोड़ देगा। उसी में जोड़ने का तो अधिकार उसके पास ही है, घटाने का भी है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बीपीएससी अभी विज्ञापन नहीं निकाला है, तो हो सकता है कि इनके आते ही इसके साथ वो विज्ञापन निकाल देगा। ठीक है, तो राज्य में आपको पता ही है, लिख रहा है कि राज्य में 67th बीपीएससी वालों जो स्टूडेंट हैं वो इसका जिगरी दिल से इंतजार कर रहे हैं। तो जब देखिए ये आप लोगों को सूचना दिए दिए तो एक और बढ़िया सूचना दे देते हैं क्या। जब ये सूचना दे ही दिए हैं तो एक और बढ़िया सूचना दे देते हैं। और एक बढ़िया सूचना देखिए क्या है, इदमान एकेडमी जो काम करता है सो देख लीजिए, 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन अब लेंगे तो आपको 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% जो है
वो देखिए 10% तो मेरे से मिलेगा ही, उसमें तो हम आपके लिए जान लगाइए रहे हैं BS10 लाइव। कोड क्या है? BS10 लाइव, BS10 लाइव, BS10 और साथ में लास्ट में क्या है? लाइव। ठीक है, ये तो हम लगा ही दिए हैं। 1000 आप लोग का और डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 महीने का लेंगे तो प्राइस जो है वो इफेक्टिवली 10,620 रुपया अब पड़ेगा 24 महीने में। हाँ, कोड मांगता है, ऐप में कोड मांगता है, तो उसी के लिए तो दिए। फ्री का, फ्री के क्लासेस के लिए भी यही कोड का इस्तेमाल करिए। खाने और पीने का कुछ ज्यादा दुख है लिख रहे हैं। चलिए, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर हम बैच कोर्सेस यूसेट के लिए बात करें तो देखिए 26 तारीख को होना है। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? 15 विनर को 50% तक का ऑफ मिलेगा और एनालिसिस सेम दिन होगा 2 BM में। SI प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और 67 BPSC टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए प्लस वाला। एवरी सैटरडे फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स SI का है और एवरी सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स 67 BPSC का है। फ्री के लिए भी है मंडे टू फ्राइडे डेली 11 बजे सुबह के बाद, और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 11 AM में सोमवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को। बुनियाद NCERT बेस्ट टेस्ट सीरीज है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे फॉर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स। यहाँ देखेंगे आप तो आपको दिखेगा बैच कोर्सेज में विजय BPSC मिशन खाकी 68 BPSC PT प्लस मेंस 22 सितंबर को स्टार्ट होगा, एंड डेट 30 अप्रैल है, 8 महीने का है, मीडियम हिंदी है। और मिशन खाकी 30 सितंबर को स्टार्ट होगा और 10 सितंबर को एंड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए आप लोग कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं BS10 लाइव। फ्री क्लासेस के लिए भी आप इसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी सभी लर्नर्स के लिए लाया है क्या भैया? देख लीजिए, UPPCS UPSC और UPPCS UP SSSC और BPSC की तैयारी एक साथ आप लोग कर सकते हैं। BPSC के टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो बेसिकली आप लोग एक बात बताइए अब कि इधर से तो भाई इम्तियाज अहमद खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, देखिए बड़ा बढ़िया नाम लिखे हैं, चल बेटा पढ़ाई कर। हमको समझ नहीं आता है कि तीन गो कौन है। तीन गो डिसलाइक मार दिया सब। आप लोग तीन गो डिसलाइक लोग मारा तो आप लोग को तो 300 डिसलाइक और मार 300 लाइक और मारना चाहिए था, डिसलाइक को चलेगा। ठीक है, 6 गो डिसलाइक हो गया, वाह, चलो जय बाबा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लाइक डिसलाइक का सिलसिला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग पढ़ाई कर लें। 9 गो डिसलाइक कीजिए, 10 डिसलाइक करिए, 15 डिसलाइक करिए, वो उसके मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, काहे भैया ऐसा क्या हो गया? चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। सितंबर जो अगस्त महीना है उसका बिहार का करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ लिया,
अगस्त महीने का बिहार का करंट अफेयर्स आप लोगों ने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, तो अक्टूबर अगस्त महीने वाला जो करंट अफेयर्स है, जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें कुछ सवाल तो करंट अफेयर्स को होंगे, कुछ स्टैटिक जीके के भी होंगे, तो उसको लेकर आते हैं इस बार, ठीक है। ओके चलिए चलिए फिर चलिए, बाय बाय, बढ़िया से मिलते हैं कल से, नमस्कार। क्या बोलते हैं उसको, गोर लागे छिए, चलो गोर लागे छिए।